नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका सडनली पीसी चलते चलते बंद हो गया, ये कई टाइम से आपने उसको सजा के रखा और कुछ टाइम के बाद उसे चाह रहे हो कि ओपन करूं तो ओपन ही नहीं हो रहा है, यानी ऑन ही नहीं हो रहा है, या बूट नहीं हो रहा है, विंडो ओपन ही नहीं हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो जब भी आप ओपन करना चाह रहे हो बट वो ओपन ही नहीं होता, कुछ सेकंड में बंद हो जा रहा है, या आपका पीसी एक तरह से डेड हो गया, आपको लग रहा है यार ये काम नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों में आप क्या क्या कर सकते हो कि आप इसे घर पर सेल्फ रिपेयर कर सको। यानी कुछ ट्रबल शूट के स्टेप्स देने वाला हूँ जिसे आप करते हुए आप अपने पीसी को घर पे रिपेयर कर सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे यार क्यों नहीं, इंटरनेट का दुकान है यार, इंटरनेट रिपेयरिंग वाले ने दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे क्यों ना जाएं हम रिपेयरिंग के लिए। यार जाओ यार, मैं मना नहीं कर रहा आपको, बट यार ये वीडियो का रिपेयरिंग वाले देख रहे हो यार, तो मतलब तो फिर कोई नहीं यार, आप भी देख लीजिए, कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये एक तरह का ट्रबल शूट है, जो वो लोग भी वही करेंगे जो मैं अब आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसके आगे वो लोग कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक लेवल यहाँ से शुरुआत होता है, तो पहले इसे आप पहले खुद से कर लीजिए, मे बी आपका इससे पीसी काम करने लग जाए, तो वहाँ पर जाने का आपको पेट्रोल का रेट बच जाएगा, सेकेंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसके बाद यार जो कॉस्ट लगेगा ना रिपेयरिंग का वो तो बचेगा ही बचेगा ना, तो इतने में तो यार तुम बिरयानी भी खा सकते हो। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। मैं तो कहूँ पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एक भी सेकंड स्किप करें। आप डबल टैप करके यार 5-10 सेकंड आगे मत जाइए, मैं चाहता हूँ एक एक सेकंड इस चीज़ को देखिए, कहीं पर भी मैं फालतू का बात नहीं करूँगा, आपको पूरे डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ किस तरह पीसी को सेल्फ रिपेयर कर सकते हो घर पे। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सही में ये काम हो जाए तो क्या होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आपको पता है क्या करना है यार, कर दो यार, कब तक कर नहीं करोगे यार, करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको वीडियो प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट देख लीजिए और आ जाते वीडियो की ओर। तो एकदम बेसिक से चलते हैं, सबसे पहला जो चीज़ जो आपको चेक करना है वो है आपको ये वायर, आपको पहले देखना है यार इसमें से स्मेल आ रहा है कि नहीं, अगर इसमें से स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब ये जो वायर है ये चेंज करने का वक्त आ चुका है। अगर ये भी आपको स्मेल नहीं पता चल रहा है तो आप देखोगे जो तीन सॉकेट है, यानी कि देखा जाए तो मैं आपको और करीब लेके चला जाता हूँ, और यहाँ पे जो तीन सॉकेट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ना तार जलने के बाद ना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, तो अगर ये देखने के लिए मिलता है तो ये भी समझ लीजिए कि जो आपका जो वायर है वो जल चुका है। तो फिर वहाँ पर आपको ये जो वायर है ये इसे आपको चेंज करना पड़ जाएगा, तो 60-90 रुपये तक आपको नया मिल जाता है। अगर मैं तो कहूँ यार इसका 2-3 हमेशा घर में रखना चाहिए, क्योंकि कब ये धोखा दे दे हमें भी नहीं पता होता है, तो एक्स्ट्रा रखोगे तो ये आपके सेफ साइड आप प्ले करोगे। और हाँ, ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको मेन देखने के लिए मिलता है VGA केबल, जो आपके मॉनिटर से कनेक्टेड होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी इसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ये जो वायर है अभी जैसे देख सकते हो जो मेन VGA केबल है कभी कभी ये भी खराब हो जाता है, तो इसके भी 2-3 पीसेस पक्का रखना चाहिए घर में, ये तो मेरा कंपलसरी कहना है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले देखिए नया लगा के इससे भी काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी इशू आते हैं या तो इसके वजह से भी आ सकते हैं या मेन पावर के वायर की वजह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन कंपोनेंट में जाने से पहले हमें हमेशा वायरिंग चेक करना होता है, बाहर वाले जो इंटरनल वायर है, जैसे कि आप देख सकते हो जो पावर वाला मैंने आपको बता दिया, VGA केबल वाला जो मैं अभी आपको कह रहा हूं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मॉनिटर को यहां पे दिखाने के लिए। अब ये तो आपको मदरबोर्ड पे पूरा पावर देता है और ये आपके मॉनिटर को बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये डिस्प्ले दिखाता है, तो ये भी आप अल्टरनेटिव है, मैंने जैसे बोला आप 2-3 पीसेस इसको पक्का अपने घर में रखिए, बाई चांस इनकेस अगर ये ख़राब होता है तो आप दूसरा यूज़ करके देख सकते हो। तो ये तो हो गया यार ऊपर वाली बात, यानी इन दोनों चीज़ें चेक कर लिए, अब आपको खोलना है। खोलने के लिए आप देख सकते हो जो भी जिस साइड में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है इसके ऑपोजिट साइड में आना है, यानी कि इस ऑपोजिट साइड में आना है, और ये जो नट होगा आपको ये नट खोलना है। अब ये नट खोलने के बाद इसके अंदर के पूरे कॉम्पोनेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह आप कौन कौन से चीज़ों को ध्यान दोगे तो आपका सारा चीज खुल जाएगा। तो इसको हम खोल लेते हैं जल्दी से, उसके बाद कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा और सब कुछ सेम ही होता है, यानी कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक से एक समझा देता हूँ पहला कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट है इसे हम पावर सप्लाई कहते हैं, यानी यहाँ से मेन पावर सप्लाई होता है, उसके बाद आ जाता है उसके बाद ये जो होता है इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, ये पूरा जो स्क्वायर में दिख रहा है आपको देखने के लिए, उसके बाद आ जाता है ये आ जाते हैं, यानी इसे कहते हैं हम स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क जहाँ पे आपके लोकल डिस्क सारे सेव होते हैं, और इसे सीडी रोम कहते हैं। अब मदरबोर्ड की ओर आया तो इसे हम प्रोसेसर कहते हैं, यहाँ पर दो स्लॉट मिलते हैं जिसमें अगर एक है तो यानी रैम, अगर दोनों में आपने डाला तो वेरी एंड गुड। अब यहाँ पर अगर आपका ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट देखा जाए तो मोटा मोटा यही होता है, कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बट आ जाते सबसे पहला आपको ट्रबल शूट कैसे लगाना है, यानी सबसे पहले पता कैसे लगाए, तो यार सबसे मेन जो चीज होता है ये होता है,
यानी पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई काम कर रहा है कि नहीं, आपको ये भी मैं समझा देता हूँ। तो जब भी यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे जो वायर है, यानी देखा जाए तो ये जो आप यहाँ पे डालते हो और यहाँ पे एक फैन आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रिल के अंदर से। तो जब भी आप पावर ऑन करोगे तो ये फैन गोल गोल घूमता है। अगर ये गोल गोल घूम रहा है और आपका जो पीसी है वो बंद है, ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, यानी ये बंद नहीं होना चाहिए। कितना भी आपका पीसी में प्रॉब्लम हो, अगर आप इसे पावर दे रहे हो तो ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद होता है तो ये आपका खराब हो चुका है और इसे रिपेयरिंग कॉस्ट आपको पड़ेगा 700 से लेके 900 तक। अगर आप कूल मास्टर जैसे बड़े बड़े RGB की साइड जाओगे तो 4,000 से 5,000 भी लग सकता है। बट आपको मेन जो कंपोनेंट आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरा कहने का मकसद क्या था, कि जब भी आप इसे पावर दोगे यानी जब भी आप इसे करंट दोगे तो ये चलना चाहिए, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो यही आना चाहिए, अगर ये काम कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड, यानी सेकंड जो हमें करना है वो है आपको रैम। और रैम को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो रैम होता है, आपको यहाँ पे दो स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो आप पहले यहाँ पे जो क्लिप मिलेगा यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे और ये ऊपर की साइड में ये मिलेगा, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये रैम बाहर आ जाएगा और इसे साफ करना है सूखे कपड़े से। इसे साफ करके रख दीजिए और यहाँ पर भी हल्का हल्का साफ कर दीजिए दोनों स्लॉट को अच्छे से। और ये साफ करने के बाद फिर से इसे प्लग इन कर दीजिए और एक बार देखिए कि चल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये भी नहीं चल रहा है, फिर आ जाते हैं हम सेकंड, यानी हार्ड डिस्क की ओर। और अभी हार्ड डिस्क को आपको यहाँ पर एक तो पावर सप्लाई वाला देखने के लिए मिलता है और एक आपको मदरबोर्ड से कनेक्शन मिलेगा। तो इन दोनों को निकाल देना और अच्छे से फिर साफ करके फिर इसे डालना है। स्टोरेज का भी मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें भी आपका विंडो 10 की कुछ फाइल्स होते हैं और आपके रैम में किसी तरह के विंडो 10 के फाइल्स होते हैं। तो दोनों का रहना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों को पहले साफ कर लीजिए, फिर एक बार ओपन करके देखिए। अगर ये भी नहीं काम कर रहा है तो फिर आ जाते हैं हम सेकंड, यानी कि लास्ट नहीं है, मतलब उसके बाद आ जाते हैं यार ये वाला। हमें आपको पता चल जा रहा होगा, देख रहे हो आप, इसे कहते हैं मदरबोर्ड को ये पावर सप्लाई होता है। अब वायरिंग ध्यान से देखोगे तो ये जो कनेक्शन है ये मेन आपको इस पावर से मिल रहा है, यानी ये जो पावर सप्लाई का कंपोनेंट है यहां से ये डायरेक्ट मदरबोर्ड को पावर दे रहा है। तो इसे निकाल के फिर इसे प्लग आउट प्लग इन करना है, यानी कि अच्छे से निकाल दीजिए, यानी प्लग आउट कर लीजिए, फिर इसे प्लग इन करके देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर इसमें भी ये काम नहीं कर रहा है तो फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर। अब ये आपको बहुत ही ध्यान से खोलना है। अब इसे खोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, ध्यान से रखिए। जब इसे आप खोल रहे हो तो एक वीडियो पक्का बनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं इसे डालना भूल जाओगे। अगर किसी को अच्छे से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर किसी को नहीं मालूम है इसके बारे में तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से इसे अंदर फिट किया जाता है। जो मैं आपको दिखाऊंगा, अब देखिए किस तरह इसे कितने अच्छे से ये जो पिन है इसे बहुत ही ध्यान से अच्छे से एंटर करना है। तो पहले आपको ये चारों स्क्रू खोलना है अच्छे से और उसके बाद इसका फैन बाहर आ जाएगा। फिर ये जो आप ग्रिल जैसा देख सकते हो पीछे, इसके अंदर बहुत ही गंदगी भर जाती है। इनकेस अगर जो कैबिनेट है, यानी देखा जाए तो इसे हम कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट अगर आपका खुला है तो जाहिर से बात है यहाँ पे धूल मट्टी तो जमेगा ही। तो पहले तो आप इसे साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आपको पहले ये ग्रिल निकालना है। ग्रिल निकाल के साफ कर लीजिए। अब यार यहाँ पे साफ करने के बाद जब प्रोसेसर आप प्लग आउट करके आप प्लग इन करोगे तो उसके ऊपर ना एक थर्मल ग्लू डालना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल करते हैं, बट यार मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपके घर के आसपास जो भी रिपेयरिंग शॉप है वहां पर आप ये पूरे कॉम्पोनेंट के साथ, यानी जो देख सकते हो पूरा कॉम्पोनेंट लेके चले जाइए और आप बोलिए मैंने साफ तो कर दिया, बस आप थर्मल ग्लू डाल दीजिए। अब वो होता क्या है कि आपको वो ग्लू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो रिपेयरिंग शॉप है उनके पास तो खुला रहता ही है। तो जस्ट वो डालेंगे और उस कंपोनेंट को अच्छे से फिट करके आपको दे देंगे और वो 50 से लेके 60 रुपीज़ तक चार्ज करेंगे। तो थोड़ा सा हाई है, बट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है। आप इसके एक एक जो भी है परफेक्टली से फिट कीजिएगा और यहाँ पे जो स्क्रूज है इसे परफेक्टली टाइट करके बैटरी की आप उनको दे दीजिए। अगर आप इसे खोल रहे हो खुद से कर रहे हो बट वो ग्लू आपको खरीदना पड़ जाएगा, ग्लू डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ग्लू के आप चलेगा, बट ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, बट चलेगा। बट मैं नहीं कहता आप रिस्क लो, रिस्क लेना है तो आपकी मर्जी, रिस्क है दो इश्क है नो डाउट, आपकी मर्जी। तो ये आपको भी पता चल गया अभी तक आपको मैंने क्या समझाया, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको चेक करना है वायर, ये वायरिंग काम कर रहा है कि नहीं, वायर जला है कि नहीं। आप एक्स्ट्रा पीस रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जैसे सेकेंड हमारा ये मेन पावर सप्लाई, कि पावर सप्लाई काम कर रहा है कि नहीं। जब भी आप इसे पावर दे रहे हो तो ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप जब भी इसे पावर दोगे तो ये बंद नहीं होना चाहिए किसी भी रीज़न से। उसके बाद जैसे उसके बाद रैम, और रैम आपको मतलब निकालना है बाहर
बार उसे साफ करके फिर से इसे सेम जैसे आप दिखोगे ना, आपको डालने का तरीका भी मैं समझा देता हूँ। तो ये जो कट देखने के लिए आपको मिलता है, ये कट आपको रैम में भी देखने के लिए मिल रहा होगा, और इसी कट से आपको उसको फिट करना है, यानी जिस साइड बड़ा है उस साइड उसको प्रॉपरली फिट करके, और ना जैसे ही अभी साइड में जब इसे एंटर करोगे तो यानी कि देखा जाए तो मैं आपको और करीब लेके चला जाता हूँ। तो ये जो क्लिप आपको देखने के लिए मिलता है, तो जब ये रैम होगा तो आप जैसे ही आप ऐसे करोगे, यानी कि जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना, तो एक क्लिक करके आवाज आएगा। तो इसका मतलब जो आपका जो रैम है वो परफेक्टली फिट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आपका स्टोरेज। स्टोरेज जैसे मैंने आपको बता दिया, निकालना है अंदर से करना है। उसके बाद तो बेटर है कि आप एक बार मदरबोर्ड वाला भी पावर सप्लाई बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद लगा दीजिए। तो और उसके बाद आ जाता है प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर निकाल के इसका जो ग्रिल है ये बहुत ही गंदा हो जाता है, इसे साफ कर लीजिए। अगर इनकेस आपको यहाँ पे भी पूरे धूल मट्टी जमे है तो एक बार ब्लोअर मार दीजिए। ब्लोअर नहीं है आपके पास तो कोई सूखा कपड़ा लेके ना हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करिए, जिससे क्या होगा ना वो उड़ेगा। तो अपने मुंह पे मास्क रख लीजिएगा, यानी नहीं तो आपके नाक वाक में चला जाएगा तो फालतू का रिस्क हो जाएगा। तो मास्क पहन के आप ना ऐसे कपड़े, सूखे कपड़े ऐसे ऐसे करोगे ना, तो वो ऊपर की भी जो धूल मट्टी है वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको पहले कुछ चीजें आपको ये करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आप कभी भी किसी इंटरनेट दुकान पे जाने से पहले ये सारी चीजें खुद से कर लीजिए। बट मैं आपको ये कहता हूँ ना कि जो 60% केस जो सॉल्व हो जाते हैं वो रैम से ही सॉल्व हो जाते हैं, यानी एक बार रैम बाहर निकालो, साफ करो, इससे ही आपके 60% केस सॉल्व हो जाते हैं। ये तो कई बार आपकी जो स्टोरेज का इशू हो जाता है, स्टोरेज की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, और या तो फिर कभी कभी मदरबोर्ड में ज्यादा गंदगी भरने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाता है, या तो कभी कभी आपका ये पावर सप्लाई चला जाए। तो ये सारे रीजंस होते हैं परफेक्टली काम करते हुए पीसी को सडनली बंद हो जाना, यानी कि देखा जाए तो यार सही में मस्त काम कर रहा तो अगले दिन वो काम नहीं कर रहा है, या तो अगर परफेक्टली काम कर रहा है और सडनली चलते चलते बंद हो गया, तो ये सारे रीजंस होते हैं। मतलब इससे आप पहले कर लीजिए, अगर इन सब के कारण की वजह से नहीं हुआ तो अगर आपका मदरबोर्ड भी काम कर रहा है, आपका पावर सप्लाई भी काम कर रहा है, यानी ले देके आपका सब कुछ काम कर रहा है, फिर भी आपका जो पीसी है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा जो कारण आता है वो है सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी विंडो आप यूज़ करते हो उसके कुछ फाइल्स करप्ट हो गए होंगे, या तो जो विंडो आप यूज़ कर रहे हो वही करप्ट हो गया हो, या सिस्टम 32 के कुछ फाइल्स जो होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं किसी कारणों की वजह से। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक सलूशन है कि आप क्या कीजिए, एक पेन ड्राइव को बूटेबल कर लीजिए। जो भी आप विंडो यूज़ करना चाहते हो या फ्यूचर आप चेंज करना चाहते हो, उस पेन ड्राइव में आप बूट कर लीजिए और उसे आप विंडो चेंज कर लीजिए। अगर कुछ फाइल्स आपके डेस्कटॉप यानी कि एज अ डेस्कटॉप आइकॉन में रखा हुआ है, कुछ डाउनलोड में रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पर सेल्फ रिपेयर का ऑप्शन यूज़ कीजिए, जहाँ पर जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करोगे, यानी जब आप बूट के लिए जब पेन ड्राइव आप इंसर्ट करते हो तो वहाँ पर इंस्टॉल नाउ के जगह साइड में आपको दिखने के लिए मिलता है रिपेयर योर पीसी, तो आप उस पर क्लिक करके भी आप अपने पीसी को रिपेयर कर सकते हो। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है मैंने, बस आपको अपने पीसी पे इसे अप्लाई करना है और देखिए आपका पीसी काम करता है कि नहीं करता है। और यहाँ पर अगर आप काम कर देते हैं, आपको पता है क्या करना है, फिर काम कर दिया है यार, प्लीज़ एक लाइक तो दे देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।